इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में कोरोना की भयावहता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ कोरोना की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक की थी और कई बड़े फैसले लिए थे। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के साथ धार्मिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला हुआ। साथ ही 30 अप्रैल तक 7 बजे ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन पिछले एक हफ्ते में स्थिति और खराब हो रही है। ऐसे में कुछ कड़े प्रतिबंध भी और लग सकते हैं, यह तय माना जा रहा है। आज की बैठक में उसकी रूपरेखा बनी है और शनिवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी दलों के साथ इस पर फैसला भी लेंगे। थोड़ा पीछे करिए भैया, भैया पीछे करिए कैमरा, थोड़ा नाम है क्या करना और आपको मालूम है कल एक मीटिंग होने वाली और पार्टी के। भैया पीछे करिए ना, थोड़ा पीछे करिए कैमरा, थोड़ा पीछे करिए ना, जूम कर लीजिए। विषय में जो सारी बातें अब तक की गई है के बारे में जानकारी देना और सब लोगों की बात सुनना, थोड़ा पीछे कर, और उसके बाद जो भी लगी होगा तो पीछे करिए, थोड़ा पीछे करिए कैमरा, पीछे करिए ना भैया। कल तो मीटिंग होगी और सारी बात सब लोगों का सुनना और जो कुछ भी किया गया बताना और जो भी परिस्थिति आ जाएगी फिर आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि परेशान शांत रहिए, सारे जिलों के साथ फिर एक बार बातचीत करके सारी जानकारी लेकर के और जो कुछ भी और आगे के लिए फैसला करना है। और रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से अफीम के तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रांची के सीनियर एसपी को यह सूचना मिली थी कि तमाड़ इलाके में कुछ अफीम तस्कर अफीम पाउडर लेकर बाहर जाने वाले हैं और इस सूचना पर डीएसपी बुंडू अजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से करीब 6 किलो अफीम बरामद किया गया है। वहीं रांची पुलिस को दूसरी सफलता नगड़ी इलाके से मिली है। पुलिस को जानकारी मिली गुमला से अफीम की एक खेप लेकर कुछ सौदागर बस के जरिए रांची आने वाले हैं, जिसके बाद डीएसपी बेड़ो ने पुलिस बल के साथ सभी बसों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक बस से सरोज कुमार सिंह और मुकेश साहू नाम के व्यक्ति पकड़े गए, जिनके पास से 4 किलो अफीम बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर के करजा थाना की पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ। दरअसल पुलिस ने देर रात अलकापुरी मोहल्ले में 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक कोरोना पॉजिटिव निकल गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को भी जांच कराने के लिए कहा है। केस में हम लोगों से पता मिली है 14 तारीख को सुबह में हमारे ये राकेश कुमार एएसआई और करमदेव राव रेड छापामारी करके लौट रहे थे तो 2 संदिग्ध गाड़ी दिखी, उनको रोके। रोकने क्रम में गाड़ी में ठीक ये मारुति कार चेक किए तो उसमें शराब की बोतलें थी, जिसमें 4 आदमी मौके ही से गिरफ्तार किए गए। एक लड़का उसमें से अभी कोरोना पॉजिटिव निकल गया।